Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to speak about the working of the MSME Ministry and the demand for grants. Sir, MSMEs in India hold a very important aspect for the economic growth as well as for employment. If you were to look at employment, sir, as per the 2018 annual report of MSME Ministry, it says about 11 crore people, which is roughly about 8 to 9% of India, are actually in the MSME sector. Now, for a ministry which deals with 11 crore people and deals with 8 to 9% of India, the total budgetary allocation is 0.2% of the total budget, which is very surprising and rather unfortunate. Agar sach mein sarkar ki mansha hoti, अगर सच में सरकार चाहती तो 30 लाख करोड़ के बजट में अगर 7,500 करोड़ रखा जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दूरदृष्टि की अभाव है। और जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, तो एमएसएमई सेक्टर इस देश में 48% शेयर रखता है इंडियन एक्सपोर्ट्स का। 2018-19 में 33% उसकी शेयर रहती है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में और 28 से 29% शेयर रहती है नेशन के जीडीपी में 2016-17 तक। अगर आप देखें, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है और उसके बावजूद अगर पूरे बजट के 0.2% तक सीमित रह जाती है एमएसई सेक्टर, तो कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है, विचारने की आवश्यकता है। मैं स्पेसिफिकली कुछ विषय रखना चाहूंगा मान्यवर। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम, इसमें आपका यह मंशा है, जो कि आपका रिपोर्ट भी कहता है, कई सारे रिपोर्ट्स हैं मान्यवर, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, जिसमें भी कहा गया है कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है राज्यसभा में कि 2,86,000 नौकरियां जो हैं वो कम इस साल पैदा हो रही हैं या ग्रोथ हो रहा है। जब 2,86,000 की नौकरियां हम उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तब पीएमईजी प्रोग्राम में इस साल बढ़ोतरी हुई है 1.4% की, लगभग 50 करोड़। क्या यह पर्याप्त है? नहीं है। वैसे अगर आप देखें क्रेडिट सपोर्ट के बारे में, सर 83% की गिरावट आई है। अगर तुलना करें 2019-20 और 20-21 में, तो इंटरेस्ट सबवेंशन में 42% की गिरावट, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी में 35% की गिरावट, खादी ग्रांट में 41% की गिरावट, एस्पायर प्रोग्राम जो 18-19 का लिया जाए और 20-21 का लिया जाए 86% की गिरावट, मार्केटिंग असिस्टेंस में सर 10 करोड़ था पिछले साल, ये इस बार 4 लाख है, 99% की गिरावट। और कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें गिरावट की श्रृंखला चल रही है। हो सकता है ये गिरावट की श्रृंखला इसलिए हो क्योंकि जो स्फूर्ति प्रोग्राम थी, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, उसमें 271% की वृद्धि की गई है। हो सकता है ये एक मंशा हो सरकार की कि हम किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट में देखें, ना कि पूरे डाइवर्सिफाई करें, बट फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। दूसरी बात मान्यवर, एमएसएमई के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार ये कोरोविड वायरस से होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। और ये रिपोर्ट जो है, ये एक सर्वे किया गया है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन से, जो कह रहा है कि अगर ये कोविड-19 कहीं ना कहीं खिंचता चला गया तो लगभग 25% एमएसएमई बंद हो जाएंगे। मान्यवर, मेरा नहीं है, ये सर्वे है और ये भी प्रिंट में आया हुआ है और मैं आपके समक्ष रखता हूं। इसके लिए कहीं ना कहीं, जब आज एक इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है, नेशनल डिजास्टर केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उड़ीसा में स्टेट डिजास्टर घोषित किया गया है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रावधान करना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं हमारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी। मान्यवर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रताप षडंगी जी हमारे स्टेट के हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि 17 मार्च को इस साल उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के साथ। और वहां पर, क्योंकि जनरली जब खड़े होते हैं तो जनरली कुछ डिमांड करने के लिए खड़े होते हैं,
तो उस मीटिंग में काफी कुछ ऐसी चर्चा हो चुकी कि डिमांड करने के लिए ज्यादा कुछ फिलहाल नहीं है। तो वहां पर डिसीजन ये हुआ है कि टूल रूम कम ट्रेनिंग सेंटर राउरकेला में होगा 200 करोड़ का। सर दो मिनट लूंगा। 4 एक्सटेंशन सेंटर्स होंगे टूल रूम के लिए, ब्रह्मपुर, कलाहांडी, केंद्र और बालासोन में 20 करोड़ के हिसाब से ईच। तो मान्यवर में तो 226 एमएसएमई क्लस्टर्स में से 45 उड़ीसा में होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, और जिस तरह से माननीय मंत्री जी को मैं आश्वासन देता हूं उड़ीसा की तरफ से, मेरे सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने जिस तरह से कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट राज्य सरकार रखेगी, और जो जमीन की आवश्यकता है आपने बताई है वो रखा जाएगा, और जो वित्तीय आवंटन आप देने वाले हैं उसके बारे में भी आप निश्चय करें और स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ काम करें, टारगेट के साथ काम करें। मैं मान्यवर बस 30 सेकंड लूंगा और कंक्लूड करूंगा कि कहीं ना कहीं आज एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जो सोच और विचार रखना चाहिए वो सोच और विचार हम रख नहीं पाए हैं। ये सरकार की बात नहीं है, ये पिछले सरकारों की बात नहीं है, पर अगर 70 साल में आप देखें जो इकोनॉमी के 45% एक्सपोर्ट्स पे दे रहा है, वो 45% एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करने वाले सेक्टर को अगर हम 7,500 करोड़ में सीमित रख लेंगे मान्यवर, कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ उचित नहीं होगा। ये कह के मैं अपना वक्तव्य रखता हूं। धन्यवाद। श्री एलामरम करीम।